बाबा स्वामी वेल्लोर से पूछते हैं, शरीर के मर जाने के बाद आत्मा का क्या होता है, ये कैसे और कब दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। पहली बात तो यह है कि आत्मा शब्द ना लेकर के अगर हम जीवात्मा कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवात्मा का क्या होता है ये पूछे, हम आत्मा का क्या होता है ये प्रश्न बनता नहीं, क्योंकि आत्मा एक देशी नहीं है। आत्मा किसी एक शरीर, किसी एक मन के अंतर नहीं है, वह सर्वदेशी है, सर्वकाल उसी में है। पर जितना हमारे जिस मैं को आप फिलहाल मैं कह रहे हैं, वह मैं को अगर हम भाषा वेदांत की ले लें या हम भाषा सांख्य की ले लें तो ये हो जाएगा जीवात्मा। आत्मा माने द रियल सेल्फ, और मन जो है सो बदलने वाली एंटिटी है। तो इस बदलने वाली एंटिटी के साथ जो मैंपन जुड़ा उसी को हम जीवात्मा कहते। तो फिलहाल हम ये कहें कि अभी आप जीवात्मा को भी पूरे तरह से नहीं समझते हैं, हम मन को फिर थोड़ा पकड़ लेते हैं, पर जीवात्मा क्या है ये जान नहीं पाते। जब हम अपने आप को विस्मृत करके अज्ञानवश मन के साथ जुड़ाव लगाते हैं तो मन और मैं ये दोनों के सम्मिश्रण से एक तीसरी वस्तु उत्पन्न हुई जिसे हम कहते हैं जीवात्मा। उत्पन्न हुई शब्द है समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि उससे पैदा होगी और फिर एक दिन मर जाएगी। ऐसे जानिए जैसे दर्पण में शीशे को हम लाइट के सोर्स की तरफ करें तो लाइट का सोर्स सूर्य, बल्ब, ट्यूब, कुछ भी, और शीशा, ये दोनों के मिलने से एक तीसरी चीज़ उत्पन्न होती है जिसे हम हिंदी भाषा में लश्कारा बोलते हैं, पंजाबी में भी लश्कारा बोलते हैं। वो जो एक चमकता हुआ चीज़ निकल करके आई जो शीशे पर रोशनी के आने से उत्पन्न हुई, उस लश्कारे को आप जीवात्मा जानिए। तो आत्मा समझ लीजिए जैसे वो लाइट सोर्स हुआ और मन आपका हुआ शीशे की न्याय। तो मन और आत्मा के मिलने पर ये जो तीसरा उत्पन्न हुआ दिखा, इसे हम कहते जीवात्मा। तो शरीर छूटने पर जीवात्मा देह छोड़ता है, जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा भाई, यही होता है जहाँ जहाँ उसकी इच्छाएं वासनाएं पूर्ण हो सकती हों वहीं वहीं वो फिर से उत्पन्न हो जाएगा। कार्मिक कनेक्शन होता है, कर्म का संबंध होता है। तो एक शरीर छूटने के बाद दूसरे शरीर मिलने में कितना अंतराल होगा ये तो प्रकृति ही जानती है। वो 3 दिन से लेकर 3 माह से लेके 3 वर्ष से लेके, यू नो, इट कैन बी अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसलिए कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से हमारे आचार्यों ने ये कहा कि मानव देह जो है वो बहुत कीमती है, क्योंकि एक बार छूटी तो पता नहीं दोबारा कब मिले, कैसे मिले। सो अभी जो हमारे पास शरीर है, जीवन है, इसका सदुपयोग हम कर लें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा।